हरियाल गांव की बसंती देवी हैं, जो कल शाम को 5 बजे बाघ से लड़ी हैं, जिसको हम लेपर्ड कहते हैं, और इनके हाथ में दराती थी, दराती से इन्होंने बाघ को भगाया है। तो आप लोग जब भी गांव में 4 बजे के बाद निकलते हैं, तो कम से कम 2-3 लोग साथ में निकले, चाहे आप गांव में किसी के घर में जा रहे हैं, चाहे घास के लिए जा रहे हैं, गोबर ढो। साथियों नमस्कार, मैं इस समय जखोली ब्लॉक के खरियाल गांव में हूं, और मेरे साथ में आप देख रहे हैं यहां गांव की एक महिला है, जिनको कि कल शाम को 5 बजे लेपर्ड ने, जिसको हम घरिया भाषा में बाघ कहते हैं, अटैक किया है। तो आप देखेंगे बाघ ने जो है यहाँ पे मारा है, और नीचे इनका यहाँ भी टांके लगे हुए हैं, इस टांग में टांके लगे, इस टांग में टांके लगे हुए हैं। क्या हुआ था 5 बजे हम इनसे जानते हैं। कति बजी करी बागन हमला? 5 बजे। और आप अकेले था भैया? अकेला था। तो घास जाना घास गाड़ी तो। ये इनका घर है यहाँ पे, और घर से थोड़ा सा नीचे स्कूल है, उसके पीछे ही ये घर आ रहे थे 5 बजे शाम को, और बाद में जो इन पे अचानक से हमला कर दिया। तो जब हमला करा तो कैसे भगाया आपने? डर नहीं लगा आपको? तो क्या हुआ फिर, आपने आवाज बवाज किया? दराती उठाई मैंने। अच्छा, दराती थी आपके? दराती उठाई आपने, आपने बाघ पे दराती मारी। अच्छा, और जब भाई अचानक से लेपर्ड ने इनको अटैक किया, तो इनके हाथ में दराती थी, तो इन्होंने जो वो दराती जो है प्रत्युत्तर में उस पर मारी। और साथ साथ में पीछे हमारे चाची जी हैं, जो डीलर साहब हैं यहाँ के, इन्होंने थोड़ा पीछे से आवाज़ से हल्ला किया, तो फिर जो है बाघ भाग गया। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहाड़ों में अगर आजकल आप घास के लिए जाते हैं या गांव में इधर उधर जाते हैं, तो साथ में जाएं, 2-3 लोग साथ में जाएं। एटलीस्ट आप लोग 2-3 लोग रहेंगे तो बाघ जो है एकदम से अटैक नहीं करता है। अगर आप अकेले रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल आपको लेपर्ड अपना शिकार बनाने वाला है। और अभी इनके मुँह में भी मारा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी फटा हुआ टाँके पड़े हुए, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, बट इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि दराती से जो है लेपर्ड को भगा दिया। तो उसके बाद क्या ब्लड व्लड निकला वहाँ पे? वहीं पे निकलने लग गया था। अच्छा, तो फिर गांव वाले आए, फिर हॉस्पिटल ले गया आपको? अच्छा, तो मतलब बहुत ज़्यादा जंतु मंतना जो है तुरंत भाई जो बात है अब नहीं जाए भाई ओकली का ही। तो भाई खरियाल गांव की बसंती देवी हैं, जो कल शाम को 5 बजे बाघ से लड़ी हैं, जिसको हम लेपर्ड कहते हैं, और इनके हाथ में दराती थी, दराती से इन्होंने बाघ को भगाया है। तो आप लोग जब भी गांव में 4 बजे के बाद निकलते हैं, तो कम से कम 2-3 लोग साथ में निकले, चाहे आप गांव में किसी के घर में जा रहे हैं, चाहे घास के लिए जा रहे हैं, गोबर ढोलने जा रहे हैं। स्पेशली 5 बजे के बाद तो आप बिल्कुल घास के लिए ना जाएं, और अपने आसपास गांव में झाड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, उनकी जो है लोपिंग करते रहें, झाड़ियों को काटते रहें, ताकि बाघ क्या ना घात लगा के बैठ जाता है ना, तो पीछे से आगे अटैक कर लेता है। तो ऐसी स्थिति आपके वो तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने साहस दिखाया, दराती निकाली, तो ये बच गए। तो ऐसा ना हो कि कल कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो आप लोग जो है सचेत रहें, और अपने आसपास लोगों को भी सचेत करें। और पिछले एक हफ्ते में ये 10वीं घटना है। अभी 2-3 दिन पहले जैती गांव में एक महिला को अटैक किया था, लड़ुड़ी में एक महिला को अटैक किया, यहाँ मेहर गांव में एक बच्चे को अटैक किया, कल ही गांव में जो है एक बछड़े को खा दिया बाघ ने, परसों मयाली में 2 गाय के छोटे बछड़े जो होते हैं उनको खा दिया, मेरी माँ को कुछ दिन पहले बाघ अटैक करने ही वाला था कि वहाँ कुत्ते आ गए तो उन्होंने बचा लिया। तो कम से कम 10 घटनाएं पिछले एक हफ्ते में हो चुकी हैं।